15 देखिए, कह निम्नलिखित सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इस सदिश का। तो सबसे पहले तो चलिए पहले वाले के देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 4, 9 और प्लस 1, रूट 14। चलिए तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, वेक्टर ए के, तो होता है 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में वेक्टर ए, यही ना होता है जी। तो यूनिट वेक्टर जो निकालना है 1 बाई मैग्नीट्यूड यानी कि रूट अंडर 14, और वेक्टर ए क्या है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में k कैप, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 बाई रूट 14 आई कैप प्लस 3 बाई रूट 14 जे कैप और प्लस 1 बाई रूट 14 के कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया वेक्टर ए के लिए, वेक्टर ए के दिशा में ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। उसी तरह दूसरा भी आपसे बन जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर